कैमरे लगाया दिया पुलिस को तो लूटने का ठेका ले लिया पुलिस ने। यहाँ क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तो घट रही, आपराधिक घटनाएं पुलिस रोकने पर ध्यान नहीं दे रही। कि किसान बिरादरी में बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा। वो अगर पुलिस का ही कोई कर्मचारी या पुलिस का ही कोई सिपाही या दरोगा के साथ ये घटना घटती तो उसकी कार्यशैली यही रहती है क्या, जो एक आम आदमी के साथ उन्होंने कार्यशैली की है? इनका इलाज ही करेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय पुलिस है, कुछ नहीं कर रही। कत्ल कुछ है, एक्सीडेंट बता रहे, मर्डर के 5 दिन बाद FIR हो रही। थाने गंगनहर के अंदर रहीमपुर गांव में पीडब्ल्यूडी जमा माफिया जमीन दे दिया, दुकान क्या रास्ता बंद करवा दिया। यहाँ इस इतने हिस्से पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिखा रहे, और महिंद्रा ट्रैक्टर तो इतना जानदार ट्रैक्टर होता है, वो पहले गैर में बंद नहीं हो सकता, वो आगे निकल जाता। मर्डर कराया गया, इरादतन मर्डर करके ट्रैक्टर के नीचे दिया गया, और इस केस का खुलासा हम हर हाल में कराया कर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि अभी विगत दिनों लिब्बा रेडी में एक किसान की मौत हो गई थी, उसके बाद किसान की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की बात कोतवाली में, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा था। लेकिन जिस चीज को लेकर किसानों में नाराज किया, किसान संगठन भारतीय किसानों ने नाराज किया, उनका कहना है कि पुलिस लापरवाही से इस कार्य को कर रही है, जिसको लेकर यहाँ पर आज कोतवाली घेरने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया किसान नेताओं ने, और गुड़ मंडी मंगलोर में उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करा, जिसमें CEO मंगलोर, SP देहात व इंस्पेक्टर कोतवाली मंगलोर सभी यहाँ पर पुलिस अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे, और भी थानों के यहाँ पुलिस SHO वगैरह मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या कहा। के किसान की मर्डर करके ट्रैक्टर के नीचे दबा दिया था, 30 तारीख में तहरीर दी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने उसका कोई खुलासा नहीं कराया। जब हमने धरने का नोटिस दे दिया कल, तो मुकदमा भी दर्ज कल कराया पुलिस ने। FIR दर्ज 302 में कल करी, और बता रही थी कि तो अपने आप दबकर मर गया, जबकि ऐसा इस तरीके से कोई दबकर नहीं मर सकता। आज हमारा कोतवाली घिराव का कार्यक्रम था केस के खुलासे को लेकर, फिर यहाँ से शहर अधिकारी आ गए, वे कहने लगे जी हम आपके बीच में यहीं आ गए। हमारा कोई ये धरना प्रदर्शन था, हमें बैरियर तोड़कर थाने में जाना या हमें वहाँ तक पहुँचना, हमारा मतलब यह है कि हमारे केस का खुलासा होना चाहिए। जिन लोगों ने ये इतना जघन्य अपराध कराया, उन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हमने अभी 20 दिसंबर तक का यहाँ के प्रशासन को टाइम दिया, SP साहब को, अगर 20 दिसंबर तक हमारे केस का खुलासा नहीं होगा तो 21 दिसंबर को हमारे ट्रैक्टरों को झोंपड़ी बांधकर और अपने खाने पीने का राशन लेकर मंगलोर कोतवाली में अनिश्चितकालीन धरना चलाऊंगा, जब तक हमारे केस का समाधान नहीं होगा, केस नहीं खुलेगा। पुलिस कह रही है इस मामले में लगातार दबिशें दी जा रही है, फॉरेंसिक जांच की टीम भी आई थी, अगर हत्या की गई तो उसमें भी जांच की जा रही है, उस चीज को लेकर आपके पुलिस की कार्यशैली तो कुछ नहीं है अभी? नहीं, हम अभी पुलिस की कार्यशैली तो बिल्कुल खुश नहीं, अभी तो पुलिस ने कुछ ज्यादा कारनामा कराया नहीं, जिस तक खुश हो जा, अभी तो उन्होंने एक मुकदमा कायम कराया। हमारा मतलब उसके पिताजी के भी, लड़के के पिताजी की भी वही हत्या करी गई थी, और इसका भी वही मर्डर करा गया, ये मर्डर कराया गया, इरादतन मर्डर करके ट्रैक्टर के नीचे दिया गया, और इस केस का खुलासा हम हर हाल में कराया कर आएंगे। तो बाद इस चीज का खुलासा नहीं होता तो फिर थाना घेरा जाएगा? थाना घेरा जाएगा, सीधा कोतवाली घेरा नहीं जाएगा, अनिश्चितकालीन तंबू लगेगा, वही ट्रैक्टरों पर किसान अपने झूमड़ी बांध कर लाऊंगे, जब तक केस का खुलासा नहीं होगा वही बनाऊंगे, वही खाऊंगे, मंगलोर थाने से घर ही नहीं जाने गए। अच्छा। जब तक खुलासा नहीं होगा चाहे 6 महीने लग जाओ। अभी आप और भी पुलिस के लिए कुछ बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे कैमरे लगाया दिया पुलिस को तो लूटने का ठेका ले लिया पुलिस ने। यहाँ क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तो घट रही, आपराधिक घटनाएं पुलिस रोकने पर ध्यान नहीं दे रही, पुलिस तो इन्हें किसानों को लूटने में ध्यान दे रही। 5-5 हजार के चलान वहाँ बॉर्डर पर कैमरे लगा दिए, जो बॉर्डर पर कुछ लगा 5-5 हजार के चलान कट रहे। हमने बताया दिया RTO को भी, या तो उन्होंने कैमरे को वहां से हटा लो, नहीं तो तार का यहाँ रहेंगे कार्यालय में। किसानों को, संगठन को इसमें मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करवा दे, 5-5 हजार के चलान दे दे, हम भूखे मर गए सही। हम देश को रोटी दे देंगे 5-5 हजार के चलान देंगे, हम देश को रोटी दे सकन पैदा करके 5-5 हजार के चलान मेरे पास नहीं, नाम देने के। अच्छा, पुलिस में सहयोग मांग रही है आप लोगों का? जी पुलिस सहयोग मांग रही, सहयोग करेंगे, हम हेलमेट लगाऊंगे। अब मान लिया कोई खेत में आया, उस पर कागज नहीं, उसका 5 हजार का चलान, किसी की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं, उसका 8 हजार का चलान, ये तो लूटने का ठेका ले लिया, करेंगे इनका सबका इलाज होगा। इसमें 21 में करेंगे, 21 में तो वही रहेंगे, कहाँ जा रहे, तुम भी यही, हम भी यही करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है केल खुलवा कर आएंगे। तो आज और भी किस रोड जी देखो, यो तो कोई ऐसा नहीं है, तो भाई सभी का, हम तो सबके सहयोग की अपील करी, कोई राजनीतिक पार्टी वाला हो, कोई विधायक हो, कोई MP हो, कोई MLA हो, कोई संगठन हो, ये तो सबका काम है। एक दुखद घटना, परिवार पर बहुत बड़ा कहर टूटा है, ये तो सबका सबका साथ, हम लोग कह रहे भाई सब लोग साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें, इस केस का खुलासा करवाओ। हाँ कहा उन्होंने जी, हम कोशिश कर रहे हैं, 15 दिन में होगा तो फिर 21 में हम करेंगे जो कुछ करेंगे। नौजवान साथी का जिस तरीके से हत्या की गई, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले की किसान बिरादरी में बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा। वो घटना कई दिन से
हुए और अभी तक उसमें खुलासा नहीं हो पाया। इसको लेकर जो क्षेत्र में और पूरे जिले के किसान बिरादरी में गुस्सा था उसी को लेकर आज यहाँ पाए थे और अधिकारियों से वार्ता हुई और 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर इसका खुलासा किया जाए, नहीं तो किसान संगठनों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि उसकी किसी दुश्मनी हो, लेकिन इसमें पूरी पुलिस की कार्यशैली थोड़ी दुखद रही। उन्होंने जो इसमें हमें गांव का जो सहयोग था वो मिला नहीं उनसे हमें, तो अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया है, अगर उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम कोतवाली घेरेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर पुलिस का ही कोई कर्मचारी या पुलिस का ही कोई सिपाही या दरोगा के साथ ये घटना घटी तो उसकी कार्यशैली यही रहती है क्या जो एक आम आदमी के साथ उन्होंने कार्यशैली की है? शायद मेरे ख्याल से अब तक मुकदमा ये केस खुल चुका होता अगर ये प्रशासन के साथ होता। प्रशासन के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका कार्यशैली अलग है, आम आदमी के साथ करते हैं तो कार्यशैली अलग है। इनका इलाज ही करेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय पुलिस है, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सड़कों पर लूट मचाई कर रखी है, बस यो काम है ना, और कोई काम नहीं है। पुलिस तो बिल्कुल यहाँ काम खत्म है। अभी नए कप्तान साहब आए, उन पर हमें विश्वास है। अन्य थानों में 112 नंबर पर फोन करा जाती ही नहीं, 112 मुक्त हो बिल्कुल। डीजीपी नए आ गए, स्ट्रॉन्ग होगी पुलिस यहाँ की कह रहे। भाई स्ट्रॉन्ग होगी, अभी बताओ, अभी जो मैं बता रहा था मामला कतल कूद है, एक्सीडेंट बता रहे, मर्डर के 5 दिन बाद FIR हो रही, थाने गंगनहार के अंदर रहीमपुर गांव में PWD जमा माफिया जमीन दे दिया, दुकान के आगे रास्ता बंद करवा दिया, पुलिस खड़ी वही मौजूद, फोटो रास्ता बंद करवा दिया, उनके सारे पेपर फिर वो जगह PWD की, तो क्या हो रहा है बताओ, क्या कर रहे हैं? बहुत बुरे हालात है, सड़क पर लूट मच रही है। अधिकारियों से नहीं मिले इस मामले को भाई? अधिकारी तो अब कार्रवाई फिर रोक के ना, एकदम कागज थोड़े आ जाएंगे, अब नु कहेंगे तहसील तक कागज लाओ, इतना माफिया काम कर दे, इतना कहेंगे तहसील तक पुलिस कुछ नहीं करने की, तो इमीडिएट तो रोकेगी, इमीडिएट कोई रुकावट वहां नहीं करी, देख लो वो सब फोटो मारे वो तो वीडियो, यानी तो पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं, पुलिस ढिली चली पुलिस नहीं कर रही, पुलिस का कोई वो नहीं है, ढिली चली पुलिस। अब ये बताइए आपकी क्या डिमांड है पुलिस? डिमांड यह केस का खुलासा करो, वरना 20 तारीख तक का टाइम दिया, 20 दिसंबर तक का, फिर 21 तारीख को जो अपना जो पदाधिकारी अपने जिम्मेदार लोग क्षेत्र के पूरे जिले के उनके साथ में फिर कोतवाली या रोड जो भी होगा आदेश होगा उसका घेराव कराया जाएगा, इसे न्याय चाहिए। इसमें अब देखो लगभग मेरे हिसाब से 17-18 साल का उनका बच्चा है, उनके पिताजी की भी पहले हत्या कर दी गई थी, उसमें भी कह दिया था कि भाई ये तो एक्सीडेंट हुआ, आज उस किसान की भी ऐसा घटना तो आज तक हमने सुनी ही नहीं, ट्रैक्टर अगर बगर उल्टा भी हो जाए जब भी ऐसा दब नहीं सकता किसान, यहाँ इस इतने हिस्से पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिखा रहे, और महिंद्रा ट्रैक्टर तो इतना जानदार ट्रैक्टर होता है, वो पहले गैर में बंद ही नहीं हो सकता, वो आगे निकल जाता, या तो खोपड़ी पुटी वो डैमेज होती, मतलब खोपड़ी पर हल्का सा पहिया वो रुका हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही है। हम ये करते हैं कि इसमें जो भी अपराधी है उनके परिवार से, कोई रिश्तेदार है, गांव से है, क्षेत्र से है, दो जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जा, और जो वो परिवार है उसे न्याय मिलने का, जब तक उसे परिवार को न्याय नहीं मिलने का, जब तक भारतीय किसान यूनियन व पूरा समाज उन किसान बिरादरी उनके साथ खड़ा पूरे परिवार के। व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में अंतर्गत धारा 302 IPC का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है मंगलौर कोतवाली में, जिस संबंध में आज किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा वार्ता के लिए अपेक्षा की गई थी और इस संबंध में उनसे वार्ता की गई है। मुख्य रूप से इसमें आम जन से और सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे इस घटना के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी रखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके, फोन से संपर्क करके विवेचक को वो जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे इस पूरे घटनाक्रम को अनावरित करने में सकारात्मक रूप से सफलता मिल सके। उनसे संबंधित कोई भी बात, कोई भी आशंका जाहिर नहीं की गई है, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस सभी पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। आप इस मंच का सदुपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि किसी को भी अगर कोई जानकारी है, सकारात्मक जानकारी है, वो आगे आए और इस घटना के अनावरण में अपना सहयोग दे। देखिए, हमारे लिए सिर्फ एक ही प्राथमिकता है कि इस घटना से जुड़े हुए सभी पहलू स्पष्ट हों।